हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोभी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में। कम से कम तेल का यूज़ करेंगे और ऐसी गोभी बनाएंगे बिल्कुल खड़ी खड़ी, जो बिल्कुल भी खिचड़ी की तरह ना लगे। तो चलिए, देर किस बात की है, कपिल बाली, लेट्स कुक। दोस्तों, ये लगेगा हमारा सारा सामान मज़ेदार मसाले वाली आलू गोभी बनाने में। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा प्याज, दो बड़े टमाटर, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में एक हरी मिर्च मिक्स कर दी है। ये 2 बड़े आलू। आलू के साथ साथ अगर गोभी नहीं ली तो आलू गोभी कैसे बनेगी। कसूरी मेथी, 1 तेज़पत्ता, 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच मलाई जिसको अच्छे से घोट लिया है, 1 खाली कटोरी जिसका इंतज़ाम क्या है, किस लिए है ये बताऊंगा थोड़ी देर में, ज़ीरा 2 चम्मच, साथ में चुटकी भर अजवाइन, और ये है मेरे मसालों का मिक्स जो कि घर ही के मसाले हैं। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच हमारा घर का पिसा धनिया और हींग। था हमारा सारा सामान। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, जहाँ पे हम अपने मसालों को एक ट्विस्ट देंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये अपने मसालों को एक साथ डाल देना है और इसको पानी में मिला के ऐड कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट की तरह। ये हमारी ट्रिक हमारी आलू गोभी में जान डाल देगी। बस हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आलू लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है, पकाया हुआ सरसों का तेल, और इसमें मैं थोड़ी सी फ्लेम, जैसे ही हल्का गर्म होगा तेल, इसमें मैं अपने आलू डालूँगा और फ्राई करूँगा। ध्यान रखिएगा आलू गोभी साथ में इकट्ठे नहीं डालने, पहले हम आलू डालेंगे क्योंकि उनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ में फिर उसके थोड़ी देर बाद हम डालेंगे गोभी। कई बार आलू डालते चिपकने लग जाता है, उसका रीज़न होता है एक तो तेल बहुत गर्म होता है और दूसरे आलू की टेंडेंसी भी होती है चिपकने की। तो सबसे पहले हमें डालते क्या करना है कि आलू को अच्छे से हम चलाना शुरू कर दें। इसको चलाते रहेंगे और वेट करेंगे मीडियम मिक्स होने की। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हमने उसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे गोभी को फ्राई। मैंने ऊपर से और कोई भी तेल नहीं डाला, ये वही तेल है, और इसी में हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी आप देखिएगा कि गोभी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी गोभी बनाएं उसको बड़े पीसेस में काटें। एक चीज़ और दोस्तों, जब भी गोभी खरीदें ना, तो कोशिश करें जो जुड़ी जुड़ी गोभी होती है ना वो लें, क्योंकि वो गोभी ठीक रहती है। और हाँ, उसको बहुत ही ध्यान से गोभी को साफ़ करना ज़रूरी है, कीड़े बहुत निकलते हैं, तो अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से नज़र मारें और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। तो चलिए, हम अपनी गोभी को फ्राई होने देते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारी गोभी का कलर चेंज हो गया है और साइज़ भी छोटा हो गया है, ये देखिए। क्या आवाज़ आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम इसको अपने आलू के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे और अपने तड़के की तैयारी करते हैं। तो चलिए, तड़के के लिए मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच पका हुआ सरसों का तेल, और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपने ज़ीरा और अजवाइन।
अब देख ही सकते हैं कि हमारा पैन गरम था, एकदम डालते ही यूटिलाइज हो गया। जलाना नहीं है, साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे अपना अनियन। अगर आप चाहें तो अनियन अवॉइड कर सकते हैं, बहुत से लोग अनियन नहीं डालते हैं, पर मेरे को थोड़ा प्याज पसंद है तो इसलिए मैंने छोटा सा प्याज लिया। ये जायका तो बढ़ाएगा ही, साथ ही में तड़के को थिकपन भी देगा, जो कि एक कंसिस्टेंट ग्रेवी या सब्ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम प्याज को भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, तो चलिए भूने। हमारे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी जादू की पुड़िया। जी हाँ, अपने मसाले याद हैं जो हमने पेस्ट की तरह बना लिए थे? ये रहे एकदम गाढ़े। डालते ही चलाना शुरू कर दें, क्योंकि पेस्ट है गाढ़ा। ये ध्यान रखें, जलने नहीं देना बिल्कुल भी। और साथ के साथ हम इसमें अब ऐड कर देंगे अपनी प्योरे, जिसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक मिर्च। जब तक मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता हम इसको, तब तक अच्छे से पकाएंगे, तेज़ गैस पे नहीं, धीमी आंच पर। अगर आप चाहें तो मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक कहीं भी गोभी के अंदर या आलू के अंदर नमक नहीं डाला। कई लोग जल्दी डाल देते हैं, उससे होता क्या है, गल तो जल्दी जाता है आलू भी और गोभी भी, पर जो उसका टेक्सचर है, जो स्वाद है, जो खड़ापन है, वो उसको किल कर देता है। तो नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हम डालेंगे बाद में। तो चलिए मसाले को रेडी होने देते हैं। जब हल्का हल्का मॉइस्चर रह जाए ना, तब डालेंगे हम अपना तेज़पत्ता और साथ में डालेंगे अच्छे से फेंटी हुई मलाई, और इसी के साथ में आ जाएगा नमक, जो कि अब तक हमने इसमें नहीं डाला। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेवर को ऐड होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं। ये क्रीम जो यहाँ पे डाली है ना हमने, ये हमें बटर का इफ़ेक्ट देगी। कैसे? क्योंकि हमने साथ में नमक भी ऐड किया है। अब आप बोलेंगे बटर ही डाल देते यार, इतनी मेहनत क्यों कराई, क्रीम फिटवाई, नमक तक रोका। तो दोस्त होता क्या है ना, बटर का फ्लेवर तो मिल जाता, पर ये जो कलर चेंज हुआ है, ये कलर कहाँ से मिलेगा भाई, कलर कहाँ से मिलेगा। तो थोड़ी मेहनत ज़रूरी है एक शानदार डिश बनाने के लिए। अब हम वेट करेंगे जब तक पूरा मॉइस्चर निकल नहीं जाता और हमारा तेल अलग ना हो जाए, जो कि बहुत ही थोड़ा सा डाला है हमने इसके अंदर, हार्डली एक चम्मच। चलिए इसको होने देते हैं। हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार है, एक नंबर। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने आलू गोभी को मिक्स कर देते हैं और फिर हम उसको ढक के पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक। मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं, मेरे अंदाजे से 5 मिनट ज़्यादा लग गए, तो अब मैं इसको उठाने जा रहा हूँ। लेट्स सी, वाह क्या बात है,
क्या बात है, क्या कलर है, वाह बहुत बढ़िया। देखिए कहीं भी गोभी चिपकी नहीं है कहीं से, बस इसको हम गार्निश कर लेते हैं अपने कसूरी मेथी से। और सबसे मेन जो फ्रेश जायका लाएगा, हरा धनिया। गैस को मैंने बंद कर दिया है और मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स अच्छे से। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू गोभी पूरी तरह से तैयार है, अच्छे तरीके से खिली हुई, ऐसी कि आप खाएं और खाते रह जाएं। ये है हमारी गोभी, ये देखिए, देख रहे हैं ना, एकदम एक नंबर। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं और फिर खाते हैं। तो दोस्तों हमारी तैयार है आलू गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल की, अपने घर के अंदर ही घर के सामान के साथ। आई होप आपको मेरा ट्विस्ट पसंद आया होगा। खाएं, खिलाएं और प्यार बांटें। मैं हूं आपका दोस्त कपिल, जल्दी मिलेंगे, सी यू। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिए घर में और सबको खिलाइए रेस्टोरेंट जैसे आलू गोभी। दिस इज़ कपिल बाली साइनिंग ऑफ, सी यू सून। कपिल बाली, लेट्स कुक।